में कुछ प्रॉब्लम है। सो ये हमारी स्पेशल गेस्ट है आज की। हाँ, एक बार फिर से बोल दो, हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम था कुछ। नेटवर्क प्रॉब्लम था कुछ, एक बार फिर से बोल दो। विच वॉज योर अच्छा, फेवरेट फिल्म? मेरी फेवरेट फिल्म रॉकस्टार और ये जवानी है दीवानी। ओके, ये जवानी है दीवानी। ओके, और बताइए। हाँ, आप भी पूछ रहे थे मैं लॉकडाउन में क्या कर रहा हूँ। तो मैं लॉकडाउन में ऑफ कोर्स फैमिली के साथ हूँ, तो नई नई फिल्म्स देख रहे हैं साथ में। मम्मी को कुकिंग में हेल्प करता हूँ और बस नई नई चीजें मैं भी सीख रहा हूँ। आपने भी शायरियाँ सुनी होगी, मैं भी राइटिंग करता हूँ, तो नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। नाइस। रामायण भी देखते हो? हाँ, यस। और बताइए, आपकी सिस्टर्स क्या कर रही है, आपकी मम्मी क्या कर रही है? कुछ नहीं, सब लोग अपने अपने में अपनी अपनी चीजें करते रहते हैं जो वो नहीं कर पा रहे थे पहले, अब बट बोर भी हो रहे हैं सब लोग बहुत ज्यादा। घर मम्मा तो बहुत बोर हो जाती है। आप उनको मोटिवेट रखिए कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, तो आप खुद भी मोटिवेट रहिए। अच्छा, आप सेट पे सबसे ज्यादा क्या मिस करती हैं? बालाजी का सेट मिस करती भी है कि नहीं, पहले ये बताइए। हाँ, ऑब्वियसली करती हूँ। काम करना मिस करती हूँ। अच्छा, घर पे बैठने से कितना तो ज्यादा अच्छा है कि काम करते रहो, यू नो, हर रोज जाके कुछ ना यस। कुछ कर रहे हो, वेरी इनकरेजिंग इन लाइफ। तो हाँ, मिस करती हूँ सेट पे जाना, सेट पे कौन शूट सबसे ज्यादा करना। मिस होता है? कौन कौन मिस होता है सबसे ज्यादा? कौन स्पेसिफिक पर्सन? हाँ, सर, डायरेक्टर सर, संजय सर। नहीं, अब डायरेक्टर सर में मैं पार्शियलिटी नहीं करूंगा। कौन से सर? सारे डायरेक्टर सर एक ही जैसे बहुत मेहनत करते हैं। तो ये आप लोग कुछ भी सवाल पूछना चाहे अनिता जी से तो भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। हाँ, पूछ रहे हैं आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मुझे राजमा राइस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, तो थोड़ा हमेशा बचपन से ही खाया हुआ है तो अच्छा लगता है। हाँ, राजमा राइस बहुत पसंद है। ओके, नाइस। और लोग पूछ रहे हैं मेरा फेवरेट सॉन्ग क्या है। मेरा फेवरेट सॉन्ग नमो नमो फ्रॉम केदारनाथ। एवरीडे मेकअप करने के टाइम मॉर्निंग में मैं नमो नमो से शुरुआत करता हूँ, तो दे स्टार्ट स्टेशन अप। आपका फेवरेट कौन सा सॉन्ग है अनाइता जी? मेरा फेवरेट सॉन्ग है किसी की मुस्कुराहटों पे निसार, बहुत पुराना गाना है, राजकपूर यस, सर, वो दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग। वाह, नाइस। व्हाट इज योर फेवरेट ड्रिंक पूछ रहे हैं। व्हाट इज योर फेवरेट ड्रिंक पूछ रहे ड्रिंक? हैं मोंदिरा संगमा जी पूछ रहे हैं। हाँ, कोई भी ड्रिंक, चाय हो, कॉफी हो। चाय, चाय बहुत पसंद है मुझे, ओके, गुड। जिंजर मैं टी बॉर्नविटा पी से। रहा हूँ, मुझे बॉर्नविटा पसंद है। ओके, हु इज योर फेवरेट रियल लाइफ हीरो? नंदना साइके श्री रेड्डी जी पूछ रहे हैं, हु इज योर फेवरेट रियल लाइफ हीरो? मेरे से हाँ हाँ जी, आपका आपका फेवरेट रियल लाइफ हीरो फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि आपका फेवरेट रियल लाइफ हीरो कौन है? रियल लाइफ हीरो आई थिंक मेरी मम्मा होंगी, क्योंकि मैंने देखा इनको सिचुएशंस में जहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा, यू नो, स्ट्रांगली एक्ट किया है, तो मैं बहुत सारी चीजों में लुक अप करती हूँ अपनी मम्मा को, मतलब बहुत सारी पॉजिटिव चीजों में, तो यही मेरे सच्ची लिए बात है रियल कि लाइफ। ऑफकोर्स आपको मोटिवेशन चाहिए तो आपको आपके घर में ही कई कितना सारा मोटिवेशन मिल जाता है, आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। गुड गुड। और बताओ, आप लोग सूर्य प्रकाश जी है, बहुत बड़े फैन है बालवीर के, पूछ रहे फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ यू बोथ, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? आपकी बास्केटबॉल आपकी मैंने में अभी बहुत ज्यादा सीखा है स्पोर्ट्स बहुत, खेलती है। हाँ, बास्केटबॉल, क्योंकि मैंने स्कूल में बहुत ज्यादा बास्केटबॉल खेला है और कॉलेज में इतना ज्यादा नहीं खेल पाए, बट हमेशा से मेरा, यू नो, पैशन टाइप रहा है बास्केटबॉल खेलना। सो व्हाट्स योर्स? क्रिकेट ऑलवेज। क्रिकेट अच्छा लगता है, सेट पे भी मतलब एक बॉल हो एक बैट हो तो हो जाता है। 5-6 लोग चाहिए, क्रिकेट खेल लो, मजा कर लो, बस और क्या। हाँ,
आपका फेवरेट सिंगर कौन है बताइए, कॉर 0386 पूछ रहे हैं आपका फेवरेट सिंगर कौन है। अरिजीत सिंह, आई थिंक उनकी वॉइस बहुत ज्यादा प्रिटी है, और उनका एक सॉन्ग है लालिश जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है रामलीला फिल्म से। नाइस। मेरा फेवरेट सिंगर आप, हाँ मेरा मेरा फेवरेट सिंगर सॉन्ग ज्यादा पसंद होता है, सिंगर तो स्पेसिफिकली नहीं, लेकिन अगर मैं थोड़ा यंग ट्रेडिशन में बात करूँ तो एमी वे बनता है, मालूम है ना, तो आई लाइक हिज सॉन्ग्स जो अलग अलग ट्रेंड्स पे होते हैं, आई लाइक दैट। ओके नाइस। राजमा चावल मुझे भी बहुत पसंद है, देव जोशी डेस्टिनी कह रहे हैं उन्हें भी बहुत पसंद है राजमा चावल। ओके नाइस। हाय आई एम माय फ्रेंड फ्रॉम नैरोबी, साइमाइरा भाटिया कह रही है, नैरोबी से हमारी फैन है बालवी रिटर्न्स की, बहुत बहुत धन्यवाद नैरोबी से समायरा जी। अनाहिता दीदी ग्रंथी देवियन पूछ रही है, अनाहिता दीदी आपको देव भैया की कौन सी स्पेशलिटी अच्छी लगती है? मैंने नहीं बनाया सवाल, ये लिखा हुआ है वहां पे। हाँ ये क्वेश्चन तो मैं कितनी बार आंसर कर चुकी हूँ, हम लोगों के तो सारे इंटरव्यूज है, मुझे लगता है कि लोगों को वो देखना चाहिए कि मैंने उसमें क्या बोला है। मैंने बहुत सारी तारीफ की हुई है ऑलरेडी। थैंक यू सो अभी आप मच। चाहते हो कि मैं बोलूँ तो मैं फिर से बोल देती हूँ। एक बोल दो कोई एक स्पेशलिटी लोगों को अच्छा लगे, मैं अच्छा लगूं। एक ऐसी अच्छी चीज है कि आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो और बहुत सारी चीजों में सेट पे, जो बहुत अच्छी चीज है, एक चीज पे फोकस नहीं करते हो, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजों में और बहुत ज्यादा यू नो इन अ पॉजिटिव वे इन्वॉल्व रहते हो, तो वो बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अनाहिता जी भी बहुत ही अच्छे से इन्वॉल्व रहती है सीन में, और जो इनके कैरेक्टर को लेकर कहा जाता है तो एक्सेप्ट करती है, बहुत अच्छे से फॉलो अप भी करती है, तो दैट्स गुड, और अच्छा लगता है ऐसे को एक्टर हो तो सीन भी अच्छा आता है। आप टीवी पे देखते हैं आपको सीन देखने में मजा आता है, तो हमें उतना ही करने में भी मजा आता है। राइट। अनाहिता जी का फेवरेट सुपर हीरो कौन है, मालवी रिटर्न्स एनपी पूछ रहे हैं। सुपर हीरो, मैंने ऐसी कोई मूवी नहीं की सुपर हीरो की, वो उसमें बहुत ज्यादा एक्शन होता है, मुझे एक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है। बट वो इंडिया में तो कोई है ही नहीं, क्रिश है तो आई कैन, मैं वो बोल सकती हूँ। इंडिया में कोई नहीं है, ये देखो ये बंदा खड़ा है पीछे। अरे मतलब इंडिया का अपना इंडिया इंडियन सुपर हीरो यूनिवर्स है ISU। ओके कई सारे सवाल है लोग पूछ रहे हैं। अनन्या जी को पूछो कि वो आपको इंसल्ट क्यों करती है हर सीन में। किसने पूछा है क्वेश्चन, नेम चला गया ऊपर। क्या सवाल है? कि अनन्या जी को पूछो कि वो आपको इतना परेशान क्यों करती है हर सीक्वेंस में, हर सीन में। हाँ तो बोलो क्यों क्यों परेशान करती है? क्योंकि डब्बू मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, लाइक बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा स्टूपिड लगता है मुझे, इसीलिए मैं उसे समझती नहीं हूँ। और बालवीर, उससे तो उसने मुझे बोला था कि वो मुझे मिलवाएगा, बट आज तक मिलवाया ही नहीं है, नहीं तो वो तो सुपर हीरो है ही मेरा। ओके ओके हाँ हो जाएगा, अभी धीरे धीरे मिला भी नहीं। देखते हैं कब। अनन्या दीदी प्लीज एक बार देव भैया को डब्बू बोलो, संजय जैन जी की फरमाइश है आपके लिए, मुझे डब्बू बोलो। ओ हेलो बोल देती हूँ। हाँ हाँ ओ हेलो हेलो। अब वो तो दे सकती ना मैं। हाँ अब डिजिटल हैंडशेक कर लेते हैं। हाँ पर बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, कई सारे लोग देख रहे हैं। फेवरेट हॉबीज ऑफ अनाहिता, आपकी फेवरेट हॉबीज जानना चाहते हैं मुनिया फतेमा जी, कई सारे लोगों ने पूछा है आपकी फेवरेट हॉबीज क्या है।
मेरी हॉबीज तो स्पोर्ट्स में ही ज्यादा होगी, और मुझे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था. मतलब अभी भी मेरे घर पे, मतलब यही मेरे घर पे बहुत सारी नॉवेल्स और बहुत सारी बुक्स है. मुझे पढ़ना बहुत पसंद होता था, बट इस आदत पे मैं वापस आना चाहती हूँ अब जाके, बट नहीं हो पाता है. मतलब वो रिदम नहीं बन पाता पढ़ने का. तो हाँ, हॉबीज में मेरी रीडिंग है, और मुझे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत ज्यादा पसंद है, चाहे वो कोई गेम हो, चाहे स्विमिंग हो और समथिंग. और हाँ, और अच्छी अच्छी वेब सीरीज देखना. नाइस, गुड गुड। तो ये है हॉबीज अनहिता जी, क्या आप भी उनको हेल्प कीजिए, बुक कौन सी पढ़नी चाहिए तो मोटिवेट हो बुक पढ़ने के लिए। अभी देखो, मैं सीक्रेट बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, लाइक थ्रू आउट सीक्रेट जो बुक है उससे, और उसकी बहुत सारी डिफरेंट सीरीज भी हैं, तो वो भी मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ. तो आई थिंक पता नहीं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है ये फंडा मैनिफेस्टेशन का, बट मतलब सीक्रेट पढ़ने से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती है आई थिंक, मतलब लाइफ में. तो लोगों को गुड गुड, सीक्रेट पढ़नी चाहिए. बहुत बढ़िया। अच्छा आपने बोला तो लोग मुझे भी पूछ रहे हैं आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। सो मेरी फेवरेट बुक तो एनी बुक रिलेटेड टू पॉलिटिक्स या फिर साइकोलॉजी, जो सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड बुक्स होती है, या फिर पॉलिटिकल इरा जो तब यस मिस फाइन। हो गया, हाँ तब मिस हो गया, हाँ कुछ सुना नहीं दिया. हाँ मैं वापस बोल देता हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बुक्स है या फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक्स है तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। और द प्रिंस करके प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे बुक है, जो प्रैक्टिकलिटी मतलब थियोरी नहीं है उसमें कि ऐसा होता है या फिर जनता या फिर नेता कैसे होते हैं, तो उस पर प्रैक्टिकली प्रैक्टिकलिटी का है वो ज्यादा। ओके, नाइस. यस अच्छा, तो आप और बताइए, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस लॉकडाउन में, कैसे वो अपना समय बिताए या फिर कैसे अपने आप को बिजी रखे ताकि टाइम निकल जाए और कुछ नया सीखने को भी मिले। यस अनन्या, हाँ अनन्या, हाँ, हाँ आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो अपना टाइम पास करे या फिर कैसे समय गुजारे इस लॉकडाउन के दौरान। बहुत ज्यादा रुक रुक के आवाज आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा. मेरा क्लियर आ रहा है, लेट मी चेक। फाइन नाउ, या बेटर देन बिफोर? आप बोलो, फिर गुड। मुझे समझ में आएगा बोलने से. हाँ तो क्या आप लोगों को क्वेश्चन क्या था आपका? कह आप फ्रेंड्स को ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो अपना समय बिताए लॉकडाउन के दौरान। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी वेब सीरीज आई हुई है अभी इस टाइम पे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सी. वैसे मुझे साईफाई मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है, वेब सीरीज. तो उसमें स्ट्रेंजर थिंग्स है, जो लोग जाके देख सकते हैं ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पे या कोई डिफरेंट उस पे चैनल पे. तो मुझे लगता है वेब सीरीज देखनी चाहिए, और घर वालों के साथ ऑब्वियसली टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है तो वो करना चाहिए. एंड बुक्स पढ़नी चाहिए जो भी उनको पसंद है, और वो इतने टाइम से नहीं कर पाए, मे बी उन्हें टाइम नहीं मिल रहा था तो वो नहीं कर पाए, तो वो उन्हें करना चाहिए इस टाइम पे. ऑफ कोर्स, ऐसा ना समझे कि बोरिंग समय है, बाहर नहीं जा सकते, घर के अंदर रहकर एग्जैक्टली, क्या करें। कुछ ना कुछ यूज एंजॉय करें. योर, यस यस, अपने घर को एंजॉय करें, अपना जो घर आपने बनाया है मेहनत से, लगन से, आपके पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने भाई बहनों के साथ एंजॉय करें। राइट. सो यस, अब यहां से हम आप सबसे इजाजत चाहते हैं। एट द एंड आप क्या कहना चाहेंगी अनन्या जी, सबको एक मैं मैसेज सबको आपकी कहना तरफ से। चाहूंगी कि सब लोग घर पे ठीक रहे, है, ठीक
सेफ रहें और पब्लिक प्लेसेस में जान, अभी तो सब कुछ लॉकडाउन हो ही चुका है, तो जितने भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमको कोरोना को लेके, हमें वो ले लाइक लोग बोल लें जैसे मास्क पहने अगर वो बाहर जा रहे हैं तो, और जहाँ तक बाहर अपने घर से जाना भी अवॉइड करें, एंड सैनिटाइजर्स यूज करें और अपने हैंड्स वॉश करते रहें और सेफ रहें घर पे. परफेक्ट, बहुत अच्छी बात कही अनन्या जी ने। अपने अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे। आप सब भी अपनी अपने अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे जितना हो सके, और जरूरी काम हो, जरूरी चीजों के लिए ही बाहर जाए, और साथ ही साथ सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे, हम भी जल्दी ही बालवीर रिटर्न्स को टेलीविजन पर लेकर आएंगे। और बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे बातें करके, आप सबके सवालों का जवाब देकर, और बस यही चाहूंगा आप सब हेल्दी रहे, अपने अपने घर पर सेफ रहे। अनन्या जी आप भी अपने घर पर सेफ रहे, हेल्दी रहे, यही हमारी और आप शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सो एट द एंड मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सोनी सब की पूरी टीम का, जिन्होंने ये लाइव ऑर्गेनाइज किया, इतनी मेहनत की बिहाइंड द, हमारे पीछे रहकर, और हमें ये मौका दिया आप सबसे बात करने का। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बस घर पर रहे, सुरक्षित रहे, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, एंड कीप वॉचिंग बालवी रिटर्न्स, कीप वॉचिंग सोनी सब। लव यू ऑल, बाय गाइस. बाय, टेक केयर।